जिंदगी एक अद्भुत अनमोल उपहार है, इसका सम्मान करना चाहिए आपको। आप ही सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं अपने शरीर के साथ, अपने साथ, स्वयं के साथ। तुम स्वयं अपने सबसे बड़े शत्रु हो। और मैं बहुत सारी चीज़ें न कह के यही कहना चाहता हूँ, अपने को महत्व दो, अपने को प्रेम करो। सारा प्रेम तुम्हें अपने से शुरू करना चाहिए। जो अपना सम्मान नहीं करता, जो अपने को प्रेम नहीं करता, वो ना तो किसी दूसरे का सम्मान कर सकता है, ना किसी दूसरे को प्रेम कर सकता है, ना परमात्मा के प्रति प्रेम का भाव प्रकट कर सकता है। सब कुछ अपने से शुरू होता है। स्वयं को प्रेम करना, स्वयं को सम्मान करने का अर्थ क्या है? स्वयं को प्रेम करना, स्वयं को सम्मान करने का अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम देखो जितने दुख तुम्हारी ज़िंदगी में हैं, उन दुखों का कारण कोई दूसरा नहीं, सिर्फ तुम हो। तुम्हारी गलत आकांक्षाएं, तुम्हारी गलत चाहें, जरा गौर से देखो अपनी चाह को, अपनी आकांक्षाओं को, अपने विचारों को। अरे जो कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हें पूरी तरह आनंदित करने के लिए उतनी चीज़ें ही पर्याप्त हैं। अगर कुछ भी न मिले तो उतने से भी तुम आनंदित जीवन जी सकते हो। तो अभी क्यों नहीं आनंदित होते हो तुम? अभी आनंदित होने के लिए जितना जितना चाहिए उतना अगर तुम्हें उपलब्ध है तो अभी तो आनंदित हो जाओ। तो पहला संकल्प ले लो कि अगर हमारे पास अभी आनंदित होने के लिए जो जो चाहिए वो उपलब्ध है तो मैं दुखी नहीं हूँगा। अभी यहीं इसी क्षण संकल्प लेता हूँ कि आनंदित रहूँगा। ये पहली शर्त। अभी तुम अस्पताल में नहीं हो, पागलखाने में नहीं हो, जेल में नहीं हो। देखो कितने बड़े बड़े लोग हैं वहाँ। रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों चीज़ें आपको उपलब्ध हैं। बेटा बेटी आपके खुश हैं, पति पत्नी आपके ठीक हैं। तो पहला आध्यात्मिक आदमी का लक्षण है कि वो अभी और यहीं और इसी क्षण आनंदित जीवन जीने का संकल्प ले लेता है। जो ऐसा संकल्प ले लेता है वो अपना मित्र है, जो ऐसा संकल्प नहीं लेता वो अपना शत्रु है। मैं यही परिभाषा करता हूँ। पहले अपना मित्र बनो, और अगर तुम अपना मित्र बनोगे, अपना सम्मान करोगे, अपने आनंद को पहचानोगे, बढ़ाओगे, तो सारा अस्तित्व जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए सहयोगी हो जाएगा।